तो दोस्तों वेलकम बैक विजिट विद आरपीएस में आपका स्वागत है और मैं हूं इस वक्त उदयपुर उदयपुर के गुलाब बाग के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने गुलाब बाग के अंदर जो टॉय ट्रेन स्टार्ट हुई है उसका व्लॉग बनाया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। गुलाब बाग के अंदर है नवलखा महल म्यूजियम, हम इस नवलखा म्यूजियम को आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये है विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय केंद्र नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र, एरो बता रखा है इस तरफ। ये जो चीज़ है ये गुलाब बाग के अंदर है, राजस्थान के उदयपुर शहर गुलाब बाग के अंदर ये नवलखा महल है और आज हम इसी नवलखा महल के बारे में बात करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे अंदर से, क्या टिकट का चार्ज है और कुछ इस तरीके का व्यू है बाहर से। थोड़ी देर में हम इस महल के अंदर जाने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुछ इस तरह से बाहर से दिखाई देगा नवलखा महल। और ये महल गुलाब बाग के बिल्कुल सेंटर में है, एंट्री उस तरफ से है। जैसे इस नवलखा महल में एंटर होते हैं बिल्कुल सेंटर में आपको महर्षि दयानंद जी की मूर्ति के साथ राष्ट्रनायक की मूर्तियां भी आपको नजर आएंगी और एक तरफ बुक्स वगैरह हैं, आप इन बुक्स को पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ सबसे पहले रिसेप्शन पे मेरे को ये भैया मिल गए नवलखा महल, और ये भैया से अपन बात करेंगे कि भाई क्या चार्जेस वगैरह है और ये क्या कुछ दिखा रहे हैं इस महल के अंदर। तो हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया। भैया क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। विशाल जी हैं जी। चार पॉइंट है विजिटिंग के लिए। प्रथम है मिनी चलचित्रालय, मिनी 3D थिएटर है। सेकंड पॉइंट है 16 संस्कार विधि का। थर्ड पॉइंट है आर्ट गैलरी और फोर्थ पॉइंट है आर्ट गैलरी के अंदर घूमता हुआ प्रकाश का स्तंभ। इन चारों के बारे में गाइड द्वारा एक एक करके डिटेल में बताया जाता है। मिनी 3D थिएटर में 10 मिनट का मूवी शो रहता है। 16 संस्कार विधि का में 16 संस्कारों को 3D स्टैचू के माध्यम से दर्शाया गया है जिसके बारे में बताया जाता है। थर्ड पॉइंट है आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी के अंदर आप जाएंगे तो आर्ट गैलरी के अंदर भारत गौरव दर्शन, मेवाड़ दर्शन और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवनी के बारे में बताया जाता है। उसी के अंदर सत्या प्रकाश जो घूमता हुआ प्रकाश का स्तंभ के नाम से जाना जाता है उसका जो रहस्य है वो आप जब भी यहाँ आए उसके बारे में डिटेल में गाइड द्वारा आपको अंदर बताया जाता है। प्रत्येक का शुल्क है 30 रुपये चार्ज है, विद्यार्थियों के लिए 20 रुपये चार्ज है। ठीक है भैया, थैंक यू। फाइनली हमने टिकट ले ली और जैसे हम अंदर एंटर हुए तो हमको लेफ्ट एंड राइट साइड में गार्डन और कुछ इस तरह से बिल्डिंग नजर आई। हम जैसे अंदर गए तो हमको उस बिल्कुल सेंटर में महर्षि दयानंद जी की मूर्ति सत्यार्थ प्रकाश भवन दिखाई दिया। दोस्तों अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट आर्ट गैलरी के बारे में। यहाँ पर जितने भी आप फ्रेम वगैरह देख रहे हैं, फोटो वगैरह देख रहे हैं, ये सब हाथ से बनाई गई है, ये आर्ट है एक्चुअली। और बिल्कुल सेंटर में हमको कुछ बहुत पुराने सिक्के की एक फ्रेम भी नजर आई और उसके अंदर थी सत्यार्थ प्रकाश बुक। तो दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमको मेवाड़ दर्शन भी हुए और कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखा रखा है, फ्रेम वगैरह बना रखी है और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त यहाँ पर चीज़ है। अब बात करते हैं आर्य समाज के चमकते सितारों के बारे में, तो कुछ फ्रेम उनकी बना रखी है जो यहाँ पर आर्य समाज के हैं स्पेशली। दोस्तों जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमको सेकेंड पॉइंट जीवन गाथा की फ्रेम नजर आई जिसमें देव दयानंद जी की जीवन गाथा के बारे में बताया गया है और फ्रेम में उनको सजा कर समेट कर रखा गया है। हम जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की प्रकाश स्तंभ की। दोस्तों ये है घूमता हुआ विश्व प्रसिद्ध स्तंभ जहां पर बैठकर स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना करी थी। तो जैसे आप ये घूमता हुआ विश्व प्रसिद्ध स्तंभ देखते हैं इसके जस्ट इसी पॉइंट में आता है मिनी थिएटर जहां पर आपको एक 10 मिनट की वीडियो दिखाई जाती है। तो ये कुछ थिएटर का लुक है जो कि अंधेरे में शूट किया गया है। अब दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की जहाँ पर है संस्कार। संस्कार की बात करें तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग राज्य के यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ बना रखी है, जैसे कर्नाटक की है तो कर्नाटक के संस्कार इसमें बॉक्स के अंदर दिखाए गए हैं कि ये पुष्पवन संस्कार है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के भी संस्कार इस बॉक्स के अंदर इस कांच के फ्रेम के अंदर मेंशन है। तो दोस्तों ये सारे 16 संस्कार सत्यार्थ प्रकाश भवन के अंदर मेंशन है। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें। फाइनली दोस्तों ये था उदयपुर के गुलाब बाग के अंदर नवलखा महल जिसे अक्सर राजाओं का महल भी कहा जाता है। तो दोस्तों मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टेक केयर।